हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी देख रहे हैं जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी देख रहे हैं उन सभी के लिए खास सूचना है। आपको पता है पूरे विश्व में लॉकडाउन हुआ है, पूरे विश्व में लॉकडाउन हुआ है। मुझे पता है कि इस समय आप बहुत सारी समस्याओं से भी गुजर रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं भी आपके सामने आ रही होंगी, हर तरीके से आ रही होंगी। लेकिन अगर आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं और आपने इस वजह से अपनी पढ़ाई को रोके रखा है कि जब आएगा समय तो पढ़ूंगा, जब आएगा समय तो करूंगा, तो गलत बात है ना। क्योंकि समय की बर्बादी ऐसी चीज है ना कि जो आपने जितना भी अभी तक सीखा है ना वो भी खत्म कर देगी। तो आप में से जितने भी विद्यार्थी हैं जो सीरियस हैं अपनी पढ़ाई के लिए, तो प्लीज आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप सीरियस ही रहें। आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपका अगर सेल्फ पढ़ाई में मन नहीं लगता तो आप कोई माध्यम बनाइए। माध्यम आपके लिए हम बने हुए हैं, हम आपको एजुकेशन दे रहे हैं। यूट्यूब पे लगातार क्लासेस चल रही हैं आपकी, अनअकैडमी पर लगातार क्लासेस चल रही हैं आपकी। आप अपने लक्ष्य को बर्बाद ना करें। आप कहीं ये ना सोच लें कि पता नहीं क्या होने वाला है। अगर इस चीज में आपने अपने 5 महीने या 4 महीने भी खराब कर दिए ना, तो ये समझ लेना कि आप जाने कितने लोगों से पीछे जा चुके हो। मेरी बात को सीरियसली लेना। आज आपको समय की वैल्यू मैं बताने वाला हूं कि समय की बिल्कुल बर्बादी ना करें, समय कितना मूल्यवान है, और अपनी तैयारी को पूरी करें। जो भी आप लक्ष्य चुनते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम आपका लक्ष्य हो, कोई भी एग्जाम, लक्ष्य कोई भी एग्जाम हो सकता है, SSC, रेलवे, बैंकिंग, CDS, UGC नेट, कैट, कोई भी एग्जाम आपका लक्ष्य है, आप उसे पूरा करते रहिए, उसके लिए पढ़ाई करते रहिए, वेस्ट ना करिए अपने टाइम को। आगे चलते हैं। अगर आप मुझे मुझसे इंटरेक्ट होना चाहते हैं, अगर मुझे आप टेलीग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम पर मुझसे जुड़ सकते हैं। मैथ्स बाई साहिल सर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। कम से कम इस पर 71,000 लोग जुड़े हुए हैं, तो आप मुझसे यहाँ इंटरेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं सारे डाउट्स लेने वाला हूँ, सारी चीज़ों का आपको जवाब देने वाला हूँ कि क्या आपके दिमाग में चल रहा है, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, किस तरह से आप अपनी पढ़ाई को अलग लेवल पर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ को सुनिएगा, है ना, हर चीज़ को सुनिएगा, हर चीज़ का जवाब भी मिलेगा आप लोगों को। चलिए, दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि समय क्या है, समय के बारे में सुन लीजिए कि डोंट वेट द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। आप ये सोचते हो कि मैं सही समय आने पर पढ़ना स्टार्ट करूंगा, तो ये इंतजार मत करो। सही समय कभी नहीं आता भाई, कभी भी सही समय नहीं आएगा। तो ये तो आप अपने दिमाग से निकाल दो, जहन से निकाल दो कि मैं सही समय आने पर, है ना, पढ़ाई कर दूंगा, ऐसे ऐसे झंडे गाड़ दूंगा पढ़ाई में कि मेरा तो बस उस सही समय पर एग्जाम क्लियर हो जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, ना ऐसा हुआ है आज तक कि बिना मेहनत किए, बिना कुछ किए आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आपने अपना सिलेक्शन करना है ना, हाँ मैं टाइम टेबल भी बताऊंगा कि सर टाइम मैनेज नहीं हो पाता, सर अनअकैडमी पे भी क्लास चलती है, यूट्यूब पे भी क्लास चलती है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो आपसे तो कोई शिकायत ही नहीं है। अगर आप पढ़ाई चालू है आपकी, तो कोई शिकायत नहीं है मुझे। अगर आपकी पढ़ाई चालू नहीं है, तो शिकायत ही शिकायत है। क्या सोचकर आप पढ़ाई नहीं कर रहे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या सोचकर आप इन चीजों से दूर भाग रहे हो कि यार सही समय आने पर पढ़ूंगा। सही समय कभी भी नहीं आएगा और आपका समय निकल जाएगा। दुनिया में सबसे कीमती चीज है वो, जो कहती नहीं है कि मैं पैसे की हूं, लेकिन है पैसे की। आज मैं आपको हर एक चीज बताने वाला हूं, ठीक है डियर। तो आपका लक्ष्य क्या है, आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आप मन में चूज कर लीजिए। मेरे पास सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए कि अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, SSC CDS की तैयारी कर रहे हैं, DRDO रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, PSU की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब सिर्फ है कि आप कौन से सिलेबस को पढ़ रहे हैं, क्योंकि सबसे जो मैटर करता है, आप इन सभी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, सभी एग्जाम को। जी हाँ, आपको अलग अलग एग्जाम के लिए अलग नहीं पढ़ना, आपको अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपना बेस्ट देना है। आपको बस एक अच्छी तैयारी की आवश्यकता है, अच्छी तैयारी की। आप अपने फोकस को ना भटके बस। अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हो ना, तो उसका सिलेबस घोट के पी जाओ, घोट के। ये जो समय मिला है ना, 4 महीने का या 2 महीने का या 3 महीने का, इस समय को इतना यूज कर लो, इतना यूज कर लो कि आने वाले जिंदगी के 5 साल आपके खराब ना हो। क्योंकि
कि आप अगर ये सोच रहे हो कि कोई और नहीं पढ़ रहा, मैं भी नहीं पढ़ रहा, मजे कर रहे हैं, ये काम ये टाइम वेस्ट कर लेते हैं, ये टाइम वेस्ट कर लेते हैं, बड़ा मजा आ रहा है, वो मजा सब निकल जाने वाला है, सजा बन जाएगा। क्योंकि और जो पढ़ाई करने वाले हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, बैंक वाले बच्चे अपनी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी वाले अपने एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, डीआरडीओ वाले डीआरडीओ की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे वाले रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप में से कोई भी हो सकता है वो, अगर आप में से बात करूं तो वो कोई भी हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं, सिलेबस को घोट के नहीं पी सकते क्या? कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, आप इसमें से कोई भी एग्जाम अगर चुनते हो तो यार सिलेबस को एक बार ढंग से खोल लो, ढंग से सिलेबस को देखो, आप पूरे सिलेबस की सभी सब्जेक्ट को लिख लो एक कॉपी में, सभी सब्जेक्ट को, और क्यों ना पढ़ना स्टार्ट कर दिया जाए, पढ़ना स्टार्ट कर दिया जाए। अगर आपको ये, हाँ, अगर आपको ये काम नहीं होता है तो आप किसी किसी चीज किसी टीचर की गाइडेंस लो, रेगुलर क्लासेस लो, लेकिन पढ़ते रहो ना भाई। सिलेबस सेम है, सिलेबस सबका सेम है, डीआरडीओ एमटीएस की प्रिपरेशन करो, रेलवे की करो, सिलेबस सबका सेम है। अब मैं सब दिखाने वाला हूँ। अब पीएसयू में सारी आपकी स्टेट पीएसयू आ जाती है, पीएससी आ जाती है, डिफेंस में आपके डिफेंस के एफ कैट हो गया, सीडीएस हो गया, ये सारे एग्जाम आ जाते हैं। मेरे मार्क्स बहुत कम आते हैं, कारण क्या है इसका सोचने की कोशिश की है? टेस्ट टेस्ट में मार्क्स क्यों नहीं आते हैं? क्या कभी सोचा है? नहीं सोचा। सोचने का समय ही कहाँ है? समय समय वेस्ट करने का है। तो प्लीज आज आप फोकस हो जाओ, अपने लिए मोटिवेट रहो। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कहाँ पढ़ रहे हो, मुझे इससे मतलब है कि प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम को वेस्ट मत करो, है ना। सब कुछ देखो फ्री में मिलने वाले की सब कुछ फ्री है, जिसको अनअकैडमी लेना है वो अनअकैडमी ले सकता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी प्लीज आप पढ़ाई पर ध्यान दो, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है? चलिए, अब ये आपके लिए मोटिवेशनल क्वेट है, जल्दी से इसको पढ़ के बताओ कि जिस समय आप गुजरे वक्त के बारे में सोच रहे हो ना, उस समय भी आपका वक्त गुजर रहा है। यानी कि आप ये सोच रहे हो, अरे यार पुराना कैसा टाइम था, मैं ये देखा करता था। प्लीज प्लीज प्लीज, ये आपको कोई मोटिवेट नहीं करेगा और कोई रिक्वेस्ट भी नहीं करेगा। कोई जॉब आपको हाथ में देकर नहीं जाने वाला कि ले भाई जॉब ले ले, तेरा जिंदगी सफल हो जाएगी। क्या 2 महीने बाद आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी और ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा? अरे भाई टाइम का सही यूज करो, टाइम का सही यूज करो, फालतू टाइम वेस्ट मत करो। आज भी बोल रहा हूं, आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा कि ये जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो ये कितना आपके लिए खतरनाक साबित होने वाला है, ठीक है? हम आपको शिक्षा दे सकते हैं, आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना ना पढ़ना आपके दिमाग में चल क्या रहा है ये तो आपको पता है ना, ठीक है? तो ये बिल्कुल निश्चित कर लो कि आपका गोल क्या है। मैंने आपको गोल बता दिए, बैंक, एसएससी, सीडीएस, अभी निश्चित कर लो, आप अभी अपना गोल निश्चित कर लो, अभी तुरंत कि मुझे करना क्या है। आप बाकी सारे काम छोड़ो, अभी निश्चित कर लो, ले मैं बैंक की तैयारी कर रहा हूँ, ले मैं सीडीएस की तैयारी करूंगा, ले मैं एसएससी की तैयारी करूंगा, मैं डीआरडीओ एमटीएस निकालना है मेरे को, मुझे रेलवे निकालना है, मुझे इस बार मुझे स्टेट के एग्जाम निकालने हैं, पटवारी पुलिस कुछ भी हो मुझे निकालना है एग्जाम। मैंने ये सोच लिया। आपको मैं ये बता दूं, आप एक सिलेबस को पढ़कर, एक सिलेबस को पढ़कर सारे एग्जाम क्रैक कर सकते हो, सारे के सारे एग्जाम, सारे के सारे एग्जाम क्रैक कर सकते हो। लेकिन अच्छे से पढ़ो ना, पढ़ना किसने रोका है? जीके पढ़नी, जीके सेम रहती है सभी एग्जाम में, मैथ सभी एग्जाम में सेम रहती है, सब एग्जाम में रीजनिंग सेम रहती है सभी एग्जाम में, बैंक को छोड़कर। बैंक का अपना अलग जोन है, बैंक का अपना अलग जोन है, तो बैंक की आप बैंक के एस्पिरेंट तो बैंक की तैयारी कर सकते हो। तो आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लो, अपने यूपी लेखपाल है तो यूपी स्टेट वाले एग्जाम में आता है, सिलेबस सबका सेम है, सिलेबस देखो ना खोल के कि क्या क्या टॉपिक मुझे पढ़ना है, ये आप निश्चित करो पहले। तो समय गुजर रहा है अभी भी पता है और आपको पता ही नहीं चल रहा। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो बैंक, एसएससी, सीडीएस और डीआरडीओ और रेलवे, अगर मैं इनके सिलेबस की आपसे बात करना चाहूं तो सिलेबस अगर मैं दिखाऊंगा तो डीआरडीओ का सिलेबस देखो, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशो, मिक्सचर। मैथ की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं मैथ का टीचर हूं और आपको मैं मैथ पढ़ाता हूं। मैं मैथ की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आपको मैथ में दिक्कत है और इंग्लिश में दिक्कत है तो आपकी यूट्यूब पे इतनी सारी फ्री क्लासेस चल रही हैं, फर्स्ट क्लास से देखना स्टार्ट कर दो, फर्स्ट क्लास से देखना स्टार्ट कर दो। मैं बता रहा हूं ना आपको, आपको अगर पैसे खर्च नहीं करने हैं, अगर आपको कोई कोर्स नहीं लेना है तो आप YouTube से पढ़ना स्टार्ट करो फ्री में। ये रोना छोड़ दो कि सर मुझे पढ़ना नहीं है, बहाने ढूंढना बंद कर दोगे तो जिंदगी सफल हो जाएगी, वरना आप बहाने ही ढूंढते रह जाओगे, ये मैं जानता हूं। तो अगर फ्री में पढ़ना है फ्री में पढ़ो, अगर अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना है तो न्यू कोर्स ज्वाइन कर लो और उनको फर्स्ट क्लास से पढ़ो, पहली क्लास से, ठीक है? चलिए, डीआरडीओ का सिलेबस ये है, बैंक का सिलेबस डीआरडीओ के सिलेबस जैसा है, ठीक है? पूरा का पूरा सिलेबस मैं आपके सामने लिख के लाया हूं जिससे कि आप अपने क्लैरिटी ला पाए कि आपको पढ़ना एक ही चीज है, कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, ठीक है? ठीक है,
अगर आगे मैं बात करूं, अगर आप एसएससी का सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो ना, अगर आप एसएससी का सिलेबस अगर कंप्लीट कर लेते हो तो वही सीडीएस का सिलेबस होता है, थोड़ा लेवल हाई होता है। सीडीएस का थोड़ा लेवल आपका हाई होता है, अच्छा लेवल आता है। तो सीडीएस की तैयारी भी चल रही है अनअकैडमी पर, अपने यूट्यूब पे तो नहीं चल रही लेकिन अनअकैडमी पर सीडीएस की तैयारी चल रही है। एफ कैट का एसएससी जैसा ही होता है, ईजी आता है एफ कैट, और बाकी कम्पिटेटिव एग्जाम एसएससी के बराबर ही होते हैं। अगर आप एक बार एसएससी का सिलेबस और एसएससी की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो तो लगभग लगभग आप सारे एग्जाम क्रैक कर सकते हो, सारे एग्जाम क्रैक कर सकते हो। क्योंकि जो एसएससी का सिलेबस है, जितना कि आप सभी लोग जानते हो, इंग्लिश भी उसमें आता है, जीके भी उसमें आता है, रीजनिंग भी उसमें आता है, और मैथ भी उसमें आता है। तो ये सब कुछ आपको पढ़ना है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, इसमें देखो अभी एग्जाम सब डिले हो गए, क्यों ना यार घोट के पी जाओ सिलेबस को। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, आपके अंदर एनर्जी आनी चाहिए यार, मुझे आज से पढ़ने बैठना है, मुझे कुछ नहीं करना फालतू काम। मैं अगर जीके की एक बुक लेके बैठा हूं ना, तो इसको रट डालूंगा, पढ़ डालूंगा, कुछ भी कर डालूंगा। इंग्लिश पढ़ना है तो मुझे किसी टीचर से पकड़ लेना है और उसको लगातार देखना है, पहली वीडियो से देखना है मुझे। मुझे अगर मैथ पढ़नी है ना, तो मैथ का टीचर पकड़ लिया मैंने, मैथ का एडवांस मैथ कमजोर है तो एडवांस मैथ कर लिया, अर्थमेटिक कमजोर है तो अर्थमेटिक कर लिया, प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस करने है। मैं ये कह रहा हूं दिन में अगर 10 घंटे भी पढ़ना पड़े और 2 घंटे सेल्फ स्टडी, 3 घंटे सेल्फ स्टडी करनी पड़े तो करो ना, क्योंकि अभी भी तो वैसे भी टाइम वेस्ट कर रहे हो आप लोग, अभी तो वैसे भी टाइम वेस्ट कर रहे हो ना। तो यार सोचो इस बात के बारे में। रेलवे का सिलेबस देख लो, रेलवे का सिलेबस एसएससी जैसा ही है लेकिन ये थोड़ा इजी आता है। रेलवे का सिलेबस एसएससी जैसा है लेकिन थोड़ा इजी आता है, एनटीपीसी मान लो या ग्रुप डी मान लो, कुछ भी करो आप, लेकिन टाइम वेस्ट मत करो डियर स्टूडेंट्स। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। आप खुद जानते हो कि मैं ये कह रहा हूं कि हरियाणा एसएससी हो गया, ये सब एसएससी का सिलेबस सेम रहता है, आप चेक करके देख लो। चाहे बुक से कुछ नहीं हो सकता, बुक से अगर कुछ करना है तो आपके पास इतने सारे टेलीग्राम पर बुक पड़ी हैं, कोई भी बुक आप सर्च करोगे ना तो वो मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए। और प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने कम दे रखे हैं क्या आपको? लेकिन बहाने मत ढूंढो कि यार सर बुक की दुकान नहीं खुल रही इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूं। अरे दुनिया भर का मैटर पड़ा है यार, कोई भी वीडियो उठा के देखोगे ना तो उसमें 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और उन 20 क्वेश्चनों को करने का ट्राई करो। ठीक है? हाँ ठीक है ना। चलिए तो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, आप नीचे कोई डिमांड कर देना, नीचे आप जब वीडियो खत्म हो जाए तो कमेंट भी कर देना कि सर हमें इस पर वीडियो बनाइए, तो मैं डेफिनेटली बना दूंगा आपके लिए। क्योंकि कोई नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए, अगर आपको मैथ कैसे पढ़नी है ये बताना है तो मैं बताऊंगा। ठीक है? चलिए अब देखो आपको फ्री में क्या मिल रहा है। देखो तैयारी कैसे करें, आप प्रश्न ये उठता है कि सर तैयारी कैसे करें, हम तो घर पे बैठ के बोर हो जाते हैं सर, किताब से पढ़ाई नहीं जाता। बहुत सारे बच्चों का कंसर्न आया है, तभी ये वीडियो बना रहा हूं कि सर हम तो घर पे बैठकर बोर हो जाते हैं, किताबों से पढ़ाई नहीं जाता हमसे। तो हम तो ये सोचते हैं कि यार क्या पढ़े, छोड़ो रहने दो, अगली लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तब पढ़ेंगे, या फिर कुछ कुछ कोरोना वोरोना का चक्कर खत्म हो जाएगा तब पढ़ेंगे। ये जो सोच रहे हैं ना वो समय वेस्ट कर रहे हैं तगड़ा वाला। अगर आपको पढ़ना ही है तो फ्री में यूट्यूब पे क्लास चल रही है, मेरी क्लास चलती है 11 बजे, सुबह 11 बजे आपको आ जाना है और 12:30 बजे आपको आ जाना है। कोई नहीं रोक रहा आपको इन क्लासे में आने से। आते हो आप लोग जल्दी से बताओ, आते होंगे मुझे पता है। लेकिन यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं 11 और 12:30 फ्री क्लासेस हैं, और ये दुनिया का बेस्ट कंटेंट आपको दिया जा रहा है, बेस्ट कंटेंट आपको दिया जा रहा है इसमें। आप ये कहते हो कि सर यूट्यूब में कैसा कंटेंट मिलता है, दुनिया का बेस्ट कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, लो शर्त लगा लो। आप तैयारी तो करो, बहाने ढूंढना बंद कर दो। आप बहाने ढूंढना प्लीज भगवान के लिए बंद कर दो। सभी चैप्टर की वीडियो प्लेलिस्ट में आप देखो जाकर, मेहनत करो, थोड़ी सी मेहनत करो, लाइन वाइज चैप्टर बनाओ कि मुझे परसेंटेज कंप्लीट करना है, मुझे प्रॉफिट लॉस कंप्लीट करना है, मुझे आज सीआईएसआई कंप्लीट करना है, सर की सारी वीडियो देखनी है, नंबर सिस्टम कंप्लीट करना है। बनाओ, दिमाग लगाओ, लगभग मॉक टेस्ट मैंने करवा रखे हैं आपको, हर हर गुरुवार को, हर गुरुवार को मैं मॉक टेस्ट करवाता हूँ फ्री में वाईफाई स्टडी ऐप पर। कम से कम 75 से ज्यादा मॉक टेस्ट करवा चुका हूँ मैं आपको, 75 से ज्यादा मॉक टेस्ट करवा चुका हूँ। लेकिन समझदार इंसान के लिए सारी चीजें मायने नहीं रखती ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई पढ़ो। ठीक है? चैप्टर वाइज मैंने थ्योरी कंप्लीट करवा रखी है सारी की सारी आपको। बताओ नहीं हो गया? बताओ, समझ में आ रही है बात, चीजें क्लियर हो रही हैं? तो ये सारी चीजें समझ में आ रही है ना क्या क्या आपको, कि क्या क्या आपके पास है। ठीक है? हाँ, साथ के साथ अगर प्लस कोर्स आप लेते हो तो प्लस कोर्स में भी पढ़ सकते हो। जैसे कि एसएससी वाले जितने भी एस्पिरेंट हैं, डीआरडीओ वाले जितने भी एस्पिरेंट हैं, उनकी मेरी प्लस कोर्स में क्लास चल रही है। बाकी सीडीएस वाले स्टूडेंट हैं आप, वो भी सीडीएस एफ कैट कैटेगरी में डीआरडीओ का मिल जाएगा। तो आप उसमें क्या क्या मिलता है आपको देख लीजिए, टॉपिक वाइज थ्योरी, ईजी, मॉडरेट, बस यहाँ टेस्ट ज्यादा मिल जाएंगे आपको, सभी सब्जेक्ट मिलेंगी यहाँ पर आपको। क्या मिलेंगी? सभी सब्जेक्ट की सभी क्लासेस, सभी क्लासेस।
और सभी एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी, जितने भी एग्जाम है ना, जैसे कि एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उनकी, डीआरडीओ से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होंगे डिफेंस के, उनकी तैयारी, सबकी तैयारी करवाई जाएगी। पर्सनल इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट से, इंटरेक्टिव क्लास होती है, पोल होता है, पोल, जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति, देखा है आपने केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति की तरह होता है, चार ऑप्शन आ जाते हैं, है ना, चार ऑप्शन आ जाते हैं, उसमें से चुनना पड़ता है कितने परसेंट स्टूडेंट ने सही आंसर दिया। तो ये वहां मजा आता है पढ़ने में भी, वहां भी आप पढ़ सकते हो। 200 से अधिक वहां पर फुल पेपर आपको मिलते हैं, प्रैक्टिस सेट मिलता है हर वीकली, और बैच आपके डाउट सेशन भी आते हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी मैंने बना रखा है। तो ये आपके प्लस कोर्स के फायदे हैं सारे। आप जो चुनना चाहते हो वो चुन सकते हो, आपका अपना ऑप्शन है भाई, आप अपने भविष्य के लिए खुद तय करोगे कि आपको करना क्या है। बाकी चीजें, दुनिया तो आपसे कुछ भी कहे, आपको अपने लिए क्या लगता है वो ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपको मेरे बारे में जानना है तो मैं आपको ये बता देता हूं कि मैं कौन हूं, मैं आपको ये क्यों सलाह दे रहा हूं, किस तरह से सलाह दे रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि मैंने 4 साल से ज्यादा मुझे पढ़ाते पढ़ाते हो गया एसएससी, बैंकिंग और रेलवे में, और अब मैं यूपीएससी में भी पढ़ा रहा हूं सी सेट के लिए, ठीक है। कंटिन्यू टीचिंग कर रहा हूं मैं वाईफाई स्टडी में लगातार 4 साल से, कंटिन्यू टीचिंग। मैंने सीजीएल 2018 17 बैंक पीओ रेलवे एएलपी आरआरबी जेई सब क्वालिफाई कर रखा है। 1000 से ज्यादा वीडियो है मेरी, आप कोई भी टॉपिक अगर मैथ का सर्च करोगे यूट्यूब पर, कोई भी टॉपिक अगर यूट्यूब पर सर्च करोगे ना, तो सबसे पहले साहिल सर की ही वीडियो आएगी। आप जाकर कोई भी टॉपिक सर्च कर सकते हैं, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो यूट्यूब पर नहीं डाला गया है आपके लिए, ठीक है। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि 1 मिलियन लाइक है मेरी वीडियो पर, 1 मिलियन लाइक। ये मेरे बारे में सारी चीजें आप जानते होंगे, मैं बताना नहीं चाह रहा, ठीक है। तो सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ नए स्टूडेंट होंगे जो जान रहे होंगे कि सर क्यों कह रहे हैं हमसे। सर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सर को पता है कि समय की कीमत क्या है, समय का उपयोग कैसे किया जाता है। हाँ चलिए, हरियाणा एसएससी का लेवल बहुत हाई है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये आपकी टाइम की डेफिनेशन है। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं ना, इसको पढ़ें, टाइम इज फ्री, समय मुफ्त है, कितना भी खर्च कर लो लेकिन ये प्राइसलेस है, लेकिन इसकी कोई कीमत नहीं है। समय कहने को तो मुफ्त है लेकिन इसकी कोई कीमत नहीं है। आपसे मैं कहूँ ना कि यार मुझे पिछले 2 घंटे दे दो, करोड़ों रुपये ला के भी नहीं दे सकते आप। यू कैन ओन इट, आप यू कांट ओन इट, आप इसके मालिक नहीं बन सकते, लेकिन आप इसको यूज जरूर कर सकते हो। आप इसके मालिक नहीं बन सकते हो कभी भी, आप ये सोचते हो कि आप इसके मालिक बन जाओगे ना, कभी भी नहीं बनोगे, लेकिन आप इसको यूज जरूर कर सकते हो, ठीक है। आप इसको यूज जरूर कर सकते हो, आप मालिक कभी भी नहीं बन सकते इसका, ठीक है। यू कांट कीप इट, आप इसे रख नहीं सकते अपने पास, लेकिन आप इसे खर्च कर सकते हो। वंस यू हैव लॉस्ट इट, अगर एक बार आपने समय खो दिया ना, तो यू कैन नेवर गेट इट बैक, आप इसे फिर दोबारा नहीं पा सकते। अगर आपने ये समय खो दिया ना तो आप इसे दोबारा नहीं पा सकते। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, फालतू चीजों में टाइम वेस्ट ना करो, अपनी एबिलिटी को बढ़ाओ, समय का उपयोग करो, जितना समय मिल रहा है इसका सदुपयोग करना सीखो, घर में बैठो। प्लीज आपसे विनती है कि आप अपने घर में ही रहें और पढ़ते रहें हमारे माध्यम से, स्टे होम और स्टे सेफ, अगर अपनी जिंदगी बचाना चाहते हैं तो। आपको पता ही है माहौल क्या हो गया है, ठीक है। चलिए, अगर अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं, ये मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ, केवल एसएससी के लिए नहीं, सभी एग्जाम के लिए। सभी एग्जाम के लिए अगर आपको अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना है तो कैसे ले सकते हैं आप देख लीजिए। सभी एग्जाम के लिए अगर अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना है तो कैसे ले सकते हैं, जैसे कि मैंने देखा कि मुझे एसएससी में लेना था, अगर यहाँ पर आप सीडीएस में लोगे तो सीडीएस मिल जाएगा, रेलवे लोगे तो रेलवे मिल जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या गोल सेलेक्ट करते हो। तो मैंने अगर 12 महीने का ले लिया ना, तो 12 महीने तक बिना रुके, बिना किसी परेशानी के आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। पहला पॉइंट क्लियर कर लीजिए, आप 12 महीने तक बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के, एक बार फीस में साहिल 10 कोड लगाकर आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। SAHIL10 ये मेरा कोड है, आप लगाकर 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं, घर बैठे पढ़ सकते हैं। जैसे कि एसएससी के इतने सारे एग्जाम होते हैं साल भर में, इतने सारे एग्जाम आप घर बैठे एक ही फीस में तैयारी कर सकते हो, और वो भी सभी सब्जेक्ट की, वो भी सभी सब्जेक्ट की। हाँ विश्वास करो मेरी बात का, अगर आप रेलवे का चुनते हो तो रेलवे के सारी सारे एग्जाम, एसएससी के सारे एग्जाम, सीडीएस के जितने भी, एक साल में 2 एग्जाम आते हैं सीडीएस के, वो एफ कैट के सारे एग्जाम, तो सारे के सारे एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हो। अगर आप एसएससी के एग्जाम देने जा रहे हो तो सारे एग्जाम की तैयारी के लिए एक ही फीस देनी होगी आपको, बार बार फीस देने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, और बेस्ट एजुकेटर आपको पढ़ा रहे हैं, आपके बेस्ट एजुकेटर पढ़ा रहे हैं इंडिया के आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराई जाएगी,
आपकी हर एग्जाम में आपकी फैकल्टी आपके साथ रहेगी हर स्टेज पर। आपको अलग अलग स्टेज के लिए अलग अलग पैसा देने की जरूरत नहीं है कि मैंने प्री के लिए अलग से पैसा दे दिया, मेंस के लिए अलग से पैसा दे दिया, ऐसा नहीं करना। आपको एक बार ही पैसा होगा जो आपके लिया जाएगा, उसमें 12 महीने तक आपको फ्री पढ़ाई करवाई जाएगी। आप अपने पसंदीदा एजुकेटर से वहां पढ़ सकते हैं और आपका जो सपना रहता है भाई पढ़ना, ठीक है, गरीब अमीर का कोई अंतर नहीं रहा, सारे अंतर खत्म हो गए क्योंकि बहुत अफोर्डेबल एजुकेशन है। एक साल में अगर आप 5,000 रुपये या 5,200 रुपये या 5,400 रुपये में अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक साल का है ये, एक साल का। तो आप सोचो कि ऑटो से अगर कहीं आगे जाओगे भी ना तो इतना खर्चा हो जाएगा आपका, समझ रहे हो मेरी बात? तो समझो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन भी बहुत सस्ता है। मेरे बैच चल रहे हैं सभी एग्जाम में, मेरे बैच चल रहे हैं, मेरे बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कोड आप साहिल 10 लगाओगे तो किसी भी कैटेगरी में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है डियर? तो कैसे लेना है सुनिएगा, अभी विद्यार्थी सुनिए कैसे लेना है। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लेना, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा स्टेप 2 में। उसके बाद इसको SSC वाले SSC सेलेक्ट करेंगे, UPSC वाले UPSC, कैट वाले कैट, नीट वाले नीट, बैंक वाले बैंक, MPPSC वाले व्यापम वाले व्यापम, रेलवे वाले रेलवे, CDS वाले CDS, ये सारे एग्जाम है। RPSC में मेरी पटवारी में मेरी क्लास चल रही है, पटवारी में मेरी क्लास चल रही है। तो अच्छे से करो ना यार, तैयारी पूरी करो बस अपनी, ठीक है? तो गेट सब्सक्रिप्शन पर जाओगे, SSC एग्जाम सेलेक्ट कर लोगे। मैंने SSC किया था तो SSC आ गया। आप कोई और एग्जाम सेलेक्ट करोगे वो आ जाएगा। फिर आप 12 महीने का ले लोगे तो 12 महीने की आपकी 6,000 रुपये फीस दिखा रहा है, तो 12 महीने की 6,000 है तो एंटर रेफरल कोड करने पर आपके 6,000 में साहिल 10 के माध्यम से डिस्काउंट मिल जाएगा, अप्लाई कर देना। बैंक की तैयारी करो तो बैंक का लगाओ, बैंक में भी मिल जाएगा, सभी एग्जाम में मिल जाएगा। बिहार SSC के लिए धमाका लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। तो 6,000 रुपये की फीस आपके लिए क्या हो जाएगी, 5,400 हो जाएगी अप्लाई होते। बस आप आराम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। बढ़िया, पेमेंट करके आप अपनी क्लास एंजॉय करो, मेरे से क्लासेस में मिलो। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो इस पर। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप सभी लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें, टेंशन ना लें, बिल्कुल पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक करो, क्योंकि ये आपकी समझ के लिए है कि आप अपनी समझ को कितना अच्छा रखना चाहते हैं। लाइक करो और शेयर करो, प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करना है। चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल।